भाई 2017 की बात है, मैं 2 साल बाद फाइनली एक बॉयज हॉस्टल से बाहर निकला और उस हॉस्टल के दरवाजे से बाहर निकलते ही सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई वो पता है क्या थी? घर का खाना नहीं, लड़कियां। मैंने सोच लिया था अब इस पिंजरे से बाहर निकलते हुए मैं एक आजाद पंछियों की तरह सिर्फ मैनाओं के साथ उड़ूंगा। लेकिन भाई ये उड़ान भरने से पहले ही मेरे पंख टूट गए जब मुझे घर वापस आके 2 महीने हो चुके थे और पास वाली किराने की दुकान की लड़की के अलावा एक भी लड़की मुझसे बात नहीं करती थी और हॉस्टल से बाहर निकल के लड़कियों के बीच में घूमने का मेरा मानो पूरा का पूरा सपना टूट चुका था। मेरी हालत बिल्कुल एक लोनर विद बोनर वाली हो गई थी। वैसे भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो घर वालों ने एक ट्यूशन लगा दी। उस ट्यूशन में एक लड़की आती थी, सिर्फ एक, अच्छी। लेकिन हमारे साथ सब अच्छा हो जाए ऊपर वाला ऐसा कभी नहीं कर सकता है। जानबूझ के ऊपर वाले ने उसको दूसरे बैच में डाल दिया और तब मुझे लगा बहनचोद जिंदगी में पहली बार एक चीज सही हो रही थी, उस पे भी किसी ने अपनी दाल गिरा दी। काफी रोया था मैं उस समय। लेकिन फिर आखिरकार एक दिन क्या हुआ, मेरा बैच जल्दी छूट गया और उस लड़की का बैच अभी शुरू होने में थोड़ा वक्त था और आखिरकार मैंने उस लड़की को एक जगह अकेले में पकड़ लिया। बैच से छूटते ही पहले तो मैं बाहर सड़क तक चला गया था, लेकिन बाहर जाते जाते मेरे मन में आ गया कि सार्थक यही वो मौका है, इसको खो मत। आज अगर तूने उस लड़की से जाके बात नहीं की तो बस उसे दूर से कुत्तों की तरह निहारता रहेगा। और फिर मेरे दिमाग में एक मास्टर प्लान आया कि भाई ऐसे एक्टिंग करते हैं, चाबी भूल गए और वापस जाते हैं। वापस क्लास में आ गए लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हुई उस लड़की से बात करने की। लेकिन जाते जाते ना मैंने बोला नहीं भाई जो होगा देखा जाएगा, बात करनी शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मैंने उससे बात करनी शुरू की, मेरी बात का यकीन करो, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में वजन ही नहीं है। सांसें मेरी ऐसे फूल रही थी जैसे अभी फेफड़े फट जाएंगे। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे धड़कते धड़कते बाहर आ जाएगा और गांड की हालत तो पूछो ही मत। लेकिन फिर भी जैसे तैसे थोड़ी थोड़ी हिम्मत जुटा के मैंने बात की और खुशी की बात यह है कि आखिरकार मुझे उसका फेसबुक अकाउंट मिल गया। मांगा तो नंबर था लेकिन उसने फेसबुक बोल के भगा दिया और उस दिन मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया कि बहनचोद अपुनिज भगवान है वाला। लेकिन क्योंकि उस समय मेरे को मेरी वीडियोस नहीं मिली थी तो मेरे अंदर बिल्कुल अकल नहीं थी और उसका फेसबुक अकाउंट मिलने के बाद मैंने उससे बहुत ज्यादा डेस्परेटली बात की और उस लड़की ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, दूसरी लड़की से बात करनी शुरू करते हैं। और फिर जब मैं दूसरी लड़की से बाहर गया बात करने तो उसने बहनचोद मुझे इग्नोर कर दिया। मतलब मैं लिटरली उस लड़की के पास गया था, हाय एक्सक्यूज मी, उस लड़की ने ऐसे देखा और वापस मेरी तरफ नहीं देखा। उस समय मेरा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस टॉप टू जीरो हो गया। लेकिन उस रिजेक्शन ने मेरे अंदर एक बहुत सही काम कर दिया था और मुझे एक चीज की छोटी सी अकल आ गई कि रिजेक्ट होने के बाद खुद को बोलना क्या है। और जब भी कोई लड़की मुझे मना करती तो मेरे अंदर से ये आवाज आने लगी कि मेरी सेल्फ वर्थ इतनी हाई है कि अगर कोई लड़की मुझे भाव नहीं दे रही है इसका मतलब उसी के टेस्ट में गड़बड़ है। और बेसिकली जो भी लड़की मुझे सिलेक्ट नहीं करती मैं समझ जाता था कि ये लड़की चूतिया है और ऐसी बोरिंग टर्न ऑफ टाइप की लड़कियां मुझे चाहिए ही नहीं। और मैं ये चीज जैसे ही अपने आप को बोलना सीख गया उसके बाद भाई मैंने ऐसे ऐसे गुल खिलाए ना भाई क्या बताऊं। और इस पूरे एक्सपीरियंस से मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखी वो पता है क्या थी कि भाई सुंदर लड़कियां पटानी ज्यादा आसान होती हैं क्योंकि आज तक उनके सामने किसी की भी हिम्मत ही नहीं होती अपना कॉन्फिडेंस दिखाने की। और जब बात रही अनजान लड़की से बात करने की तो मेरे दोस्त ये चीज सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस दिखाने की बात है क्योंकि जब एक लड़की एक लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस देखती है ना मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त आपका कॉन्फिडेंस बहुत होता है उस लड़की को ये बताने के लिए कि आपके अंदर और कौन कौन सी काबिलियत है। क्योंकि आप जब भी किसी अनजान लड़की से फर्स्ट टाइम बात करते हो तो उस लड़की के दिमाग में ये चीज प्लान आउट हो रही होती है कि ये जो लड़का मुझसे बात करने आया है क्या ये मेरे से बेटर है, क्या इसका स्टेटस मेरे से ज्यादा हाई है या ये लड़का कोई चूतिया क्रीप और चेप लड़का है। और उस समय अगर आप अपने सेंसेस में रह के उस लड़की से बात कर पाते हो बिना घबराए, बिना सांस फूले फूले, बिना तेज तेज बोले बोले, तो भाई गेम ओवर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी है उनमें से एक ये है कि मेरे दोस्त आप जब भी किसी अनजान लड़की से बात करने जाओ ना तो उसका नंबर लेने, इंस्टाग्राम लेने, फेसबुक लेने, इन सब के चक्कर में मत जाओ। आप बस अपना गोल ये बनाओ कि मुझे उस लड़की से बात करनी है, दैट इज ऑल। तो बेसिकली आप रिजेक्शंस को अपने दिल से जितना दूर रखोगे, अपनी 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 सेल्फ वर्थ से जितना दूर रखोगे ना मेरे भाई, आप उतने ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे। और अनजान लड़कियों को अप्रोच करने की सबसे बेस्ट चीज जो है वो पता है क्या है, आप अपना मोमेंटम बिल्ड कर लो। मोमेंटम बिल्ड करना मतलब आप कंटिन्यूअसली इस चीज की एक्सरसाइज में रहो क्योंकि एक बार आपका मोमेंटम बिल्ड हो गया ना एक के बाद एक लड़की से बात करने का, मेरे दोस्त इट इज गोइंग टू बी सो इजी फॉर यू कि मैं अगर आपके सामने नोरा फतेही भी रख दूंगा ना मेरे दोस्त, मैं आपको मेरी गारंटी देता हूं आप उससे बिना नर्वस हुए बात कर लोगे। और लड़की अगर रिजेक्ट कर भी देती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है ब्रो, किसी को चाइनीज पसंद है, किसी को साउथ इंडियन पसंद है, किसी को नॉर्थ इंडियन, किसी को मुगलाई, भाई सबका टेस्ट अलग अलग होता है। तो लड़की अगर बात ना करना पसंद करे तो इसमें यह मत सोचो कि आप ही में कोई कमी है। किसी लड़की के लिए आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, किसी लड़की को आप में इंटरेस्ट नहीं होगा। और अब मैं आपको बताता हूं अनजान लड़कियों को अप्रोच करने की सबसे बेस्ट जगह कौन कौन सी होती है विदाउट एनी बुल फकिंग शिट। सबसे टॉप पोजीशन पे आता है मेरा दोस्त क्लब्स और पब्स। मेरी बात सुनो,
अगर आप स्कूल में नहीं हो और आप कॉलेज में हो तो क्लब से अच्छी जगह और कोई नहीं होती है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लाइक माइंडेड लड़कियां होती हैं। लेकिन अगर आप एक स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त स्कूल और कॉलेज से अच्छी अनजान लड़कियों से बात करने के लिए और कोई जगह नहीं होती है। क्योंकि होता क्या है ना, अगर लड़की को पता होता है हाँ ये लौंडा मेरे स्कूल में है, मेरे ही कॉलेज में है, तो एक ट्रस्ट होता है, एक बहुत इजीली आप उस लड़की के सर्कल में घुस सकते हो, क्योंकि उसे फिर आपसे अनजान होने का डर नहीं लगता है। और बात रही स्कूल और कॉलेजेस की, तो मैंने बहुत बार ऐसी एक्टिंग की है लड़की से कि भाई मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम मिल रहा हूं। मैं आपको सही बताता हूं, मैं उस लड़की को अपना टारगेट लॉक कर लेता था और फिर मैं जानबूझ के अपने आप को ऐसी ऐसी सिचुएशंस में डालता था जहां पे मैं उस लड़की से बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं उसकी तरफ देख रहा हूं, लेकिन मैं उसके आसपास हूं और मैं मेक श्योर करता हूं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उस लड़की ने मुझे नोटिस किया हो। तो मैं ऐसी एक्टिंग कर लेता था, इवेंट्स में मैं जा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा लाउड बहुत ज्यादा हाई कॉन्फिडेंस तरह से बिहेव करता था और मैं ध्यान रखता था कि भाई कुछ तो ऐसा कांड कर दो जिससे उस लड़की की एक बार तो मेरे ऊपर नजर चली जाए। कोई भी इवेंट हो गया, क्लब हो गया, ऑफिसेस हो गया, हमेशा वैसी जगह ढूंढो जहां पे ना जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जगह होती है, जहां पे लोगों का अटेंशन सबसे ज्यादा जाता है, आप उस जगह पे जाके खड़े हो जाओ ताकि आप मेक श्योर कर लो उस लड़की ने आपको एक्नॉलेज किया है, ताकि उस लड़की के मन में आपको लेके एक फेमिलियरिटी बिल्ड हो जाए। और ये चीज आप ऑफिसेस में भी यूज कर सकते हो कि अगर उस लड़की ने आपको पहले देखा होगा ना तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं और आपके अप्रोच करते वक्त वो लड़की आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती। और अगर आपने उस लड़की को देखा है कि वो ऑलरेडी बहुत सारे चूतिया लौंडों से घिरी हुई है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो लड़के उसके साथ 24 घंटे हैं ना भाई, मैं सही बता रहा हूं, वो लड़की उनमें से किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो या तो आप किसी बहाने उस ग्रुप से दोस्ती कर लो या उसके ग्रुप के किसी लड़के से बात स्टार्ट कर लो। हाँ, वो लोग सोचेंगे कि ये जबरदस्ती घुसने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन मेरे दोस्त अगर आप यूजफुल होगे तो आपका काम वहां बन जाएगा। और इसी से मुझे एक चीज याद आई, मेरे दोस्त आप मुझे सेल्फिश बुला लो मुझे कोई बात नहीं, लेकिन भाई मैं यहां पे तुम लोगों की सेटिंग कराने आया हूं। तो भाई मैं चाहता हूं कि आप ऐसे लौंडों से भी दोस्ती कर सकते हो जिनको बहुत सारी लड़कियां जानती हैं, इससे आप बहुत ज्यादा एडवांटेज में रहोगे। उसके बाद सबसे बेस्ट जगहों में से आ जाती है पब्लिक लाइब्रेरीज या कॉलेज की लाइब्रेरी, भाई जहां पे लड़कियां खाली टाइम पे आके पढ़ाई करती हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, अगर आप किसी लड़की को देखो जो बोर हो रही है, अपना फोन यूज कर रही है पब्लिक में, उसको अप्रोच करना सबसे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि वहां पे आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। और बात रही मेरे दोस्त सड़क वड़क पे ना, मैं थोड़ा अवॉइड करता हूं लड़कियों को अप्रोच करना, क्योंकि ना उस समय लड़कियों के मन में क्या चल रहा है, मुझे घर पहुंचना है या मुझे ऑफिस जाना है या मुझे स्कूल पहुंचना है या मुझे ट्यूशन जाना है। उस समय अगर आप बीच में आ जाओगे ना ब्रो, तो यू विल सीम लाइक अ हर्डल, इसीलिए भाई मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। फिर भी अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा दिल आ गया तो तुम एक बार ट्राई कर लो। वैसे भी मैं बेसिकली ये चीज तुम्हारे अंदर डेवलप करना चाहता हूँ कि लड़कियों से रिजेक्ट होना कोई बहुत बड़ी तोप की मिसाल चीज नहीं है। और जैसे जैसे आप लड़कियों को अप्रोच करते जाओगे ना मेरे दोस्त, मैं आपको सही बता रहा हूं, आपको ज्यादा को भी नहीं करना है, 10 लड़कियों के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप अपने चेहरे के छोटे छोटे एक्सप्रेशन पे काम करना भी शुरू कर सकते हो शीशे के सामने खड़े होकर, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई कौन कौन से एक्सप्रेशन मेरे ऊपर बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहे हैं और कौन कौन से एक्सप्रेशन जो मैं बहुत रेगुलरली बना रहा हूं उनको अवॉइड करूं। ये सुनने में थोड़ा डम लगेगा, लेकिन मेरे दोस्त इफ यू नो हाउ टू गिव अ गर्ल दैट लुक, ब्रो गेम ओवर। बस इतना ध्यान में रखो कि आपको लड़की को खड़े होके ना बहुत ज्यादा देर तक नहीं देखना है। अगर आप उस लड़की को देर तक देखते रहोगे ना तो आपका टेंशन उतना ज्यादा ही बिल्ड होने लगेगा और आपका ब्रेन अपने आप सोचने लगेगा क्यों मुझे इस लड़की को अप्रोच नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको सही बता रहा हूं, इफ आई सी अ गर्ल और मुझे उससे बात करनी है ना, मैं सच बता रहा हूं, मैं ये भी नहीं सोचता हूं कि मुझे वहां जाके क्या बोलना है, मैं बस वहां पे अपने आप चलना शुरू कर देता हूं। That is all. अगर आप लड़की से फर्स्ट टाइम मिलते वक्त बस एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर दो कि आप बहुत ज्यादा हाई स्टेटस हो, that is legit all. बस अनजान लड़की से बात करते हो इतना ध्यान रखना कि आप लड़की की वाइब के हिसाब से बिहेव करो। ये चीज मेरे दोस्त मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, बट मैं आपको ऊपर से बता देता हूं मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं। अगर लड़की बहुत ज्यादा लाउड है तो आप उसके सामने थोड़ा काम बिहेव करके देखो, अगर लड़की बहुत ज्यादा शाय है तो थोड़ा ज्यादा बिहेव करके देखो कॉन्फिडेंटली। अगर वो उससे कंफर्टेबल नहीं हो रही तो मैं सच बता रहा हूं, ऐसे में अगर आप नर्वसनेस की भी एक्टिंग करोगे ना तो वो भी आपको लड़की लगे दे सकता है। और एक महान व्यक्ति ने बोला है कि जब आप लड़की से बात कर रहे हो ना तो आपकी बात में वैसी एनर्जी होनी चाहिए जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है, क्योंकि ये चीज ना सिडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और कोई बात नहीं भाई, लड़की इग्नोर कर दे, रिजेक्ट कर देना ब्रो, इससे मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको मूव ऑन और लड़कियों को भुलाने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। बस आपको अपने अंदर ना वो प्लेयर वाइब्स ऐड करनी पड़ेंगी मेरे दोस्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लेयर वाइब से मेरा ये मतलब है कि आपके अंदर ऐसा चार्म होना चाहिए कि आप लड़की को अपने से बेटर नहीं समझते हो, क्योंकि अगर आप समझ रहे होगे ना तो वो चीज एक्चुअली आपके बिहेवियर और बात करने के तरीके में दिख जाएगी और आपका पत्ता कट। और
सबसे डिफिकल्ट होता है भाई कि कोई लड़की जब ग्रुप में होती है ना उसे अप्रोच करना। एक्चुअली डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, बाकी वो खेल भी आसान है। तो मान लो एक ग्रुप में 5 लड़की है और मुझे जो लड़की पटानी है मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, उस लड़की की तरफ तो मैं देखूंगा भी नहीं, मैं बात करूंगा उसकी बाकी की सहेलियों से, क्योंकि वहां पे उस लड़की की ईगो बर्बाद हो जाती है। बस इतना दिखा के कि मैंने उस लड़की के चार्म से अट्रैक्ट नहीं हुआ और मैं उसे अप्रोच करने नहीं आया और उससे ज्यादा अच्छी मुझे उसकी दोस्त लगी, ब्रो ब्रो ब्रो। और बात रही लड़की की ईगो को तोड़ने की, तो मेरे दोस्त अगर आप किसी प्यारे फॉर्म में उसकी बेइज्जती कर सकते हो ना, किसी भी तरह से आप उसको बहुत ज्यादा कॉन्शियस फील करा दो, फक ब्रो, ये सब चीजें पब्लिक में नहीं जानी चाहिए भाई। तुम लोग लड़कियों को भेज देते हो यार ये पूछने के लिए कि प्रियंका ये सार्थक सही बोल रहा है कि नहीं, बहुत गलत बात है। और अगर लड़की को आपको बस बहुत ज्यादा कॉन्शियस फील कराना है तो आप उसे बोल सकते हो आर यू नर्वस, या तो आप प्लेफुली लड़की को बोल सकते हो अरे ये सेम ड्रेस तो मैंने उस दिन उस सड़क के किनारे सस्ते वाले स्टोर में भी देखी थी। ये एक बहुत प्लेफुल तरीका है, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ना ले। या आप लड़की को बोल सकते हो तुम्हारे लिप्स के आसपास कुछ लगा हुआ है या उसकी आईज का मस्कारा शायद फैल गया है। मैं सही बता रहा हूँ, ये चीजें काम कर जाती हैं। और कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे सबके सामने नहीं बोल सकता हूँ, इसीलिए मैंने एक टेलीग्राम पे एक सीक्रेट चैनल बनाया है भाई, जहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लिसिट सेडक्शन की बातें होती हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बेसिकली मेरा कहना बस इतना सा है कि आप जितनी ज्यादा लड़कियों से इंटरेक्ट करोगे, आप जितनी ज्यादा उन लड़कियों के साथ डेट पे जाओगे, आपके चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। नहीं तो लौंडे लड़कियों का फोन नंबर तो उठा लेते हैं लेकिन उसके बाद सीधा टॉकिंग जोन फ्रेंड जोन में घुस जाते हैं, क्योंकि वो बाकी लड़कियों से बात भी नहीं कर रहे और इस लड़की को डेट के लिए पूछ भी नहीं रहे। वो एक लड़की का नंबर कहीं से ले आते और उस पर चिपके रहते, उसी पर काम करते रहते, ये फंसा लो इसको, कुछ भी कर लो, ये बोल दो, वो बोल दो, ये कर दे, ये ट्रिक खेल ले, भाई ऐसे नहीं होता है। मतलब मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ जो मैंने बहुत ज्यादा यूज की है। बहुत सारी लड़कियों से बात करो, उनको इंस्टाग्राम पे ऐड करो, एक एक करके सबसे मिलो, सबके साथ अपनी स्टोरी पोस्ट करते जाओ और उन लड़कियों से एक एक दो दो तीन तीन महीने बात भी मत करो। फिर अचानक से मैसेज कर देना, भाई नई बात बनी ना, ब्रो बिलीव मी, आपको बस अपना स्टेटस दिखाना है। तो आप लड़कियों का एक नेटवर्क, भाई कितना गलत लगता है, तो आप बेसिकली लड़कियों का एक नेटवर्क बिल्ड करो, क्योंकि आप जितनी ज्यादा लड़कियों को जानते होगे ना मेरे दोस्त, आप किसी भी लड़की के प्यार में चूतिया कितने अंधे हो कितने पागल नहीं हो जाओगे। एक बात करनी बंद भी कर देगी, डेट पे आने के लिए मना भी कर देगी ना भाई, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की आपके मैसेजिंग में इतना ज्यादा नीचे जा चुकी होगी कि आपको उसकी याद भी नहीं आएगी और ना ही आपको लड़की के सामने नीडी या डेस्परेट बिहेव करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम एक से एक खूबसूरत लड़कियों को दूर से बस कुत्तों की तरह देखते रहते हैं और उनके पास जाके बात नहीं कर पाते ना भाई, तो हमें अपनी सेल्फ एस्टीम, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे और खुद पे बहुत ज्यादा डाउट फील होने लगता है। और भाई मैं तो इस फीलिंग में कभी नहीं रह सका, क्योंकि अगर कोई खूबसूरत लड़की है और 1% भी अगर मेरा उसके साथ चांस है तो मैं उसको क्यों गवाऊं, जाके चेक करके आने में क्या प्रॉब्लम है। और मेरी बात का यकीन करो, ऐसे ही भाई मैंने बहुत जबरदस्त गेम खेले हैं, क्योंकि 99% लौंडो की गांड में दम ही नहीं होती है जाके लड़की से बात करने की, और आपके अंदर जब वो इतने ज्यादा गूदा देखती है ना आपकी गांड में, ब्रो That is all, ये चीज मैंने पहले भी बोली है। और सबसे आसान तरीका जो मैंने डेवलप किया है भाई, देखो रिजेक्शन से तो मुझे फर्क पड़ना ही बंद हो चुका था, तो मैं लड़की से बात करते करते ये साइंस देखने लगे था कि ये मेरे में अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं। और एक और सॉलिड चीज बता देता हूं, अपने साथ ना कुछ अलग ही चीज कैरी करो। फॉर एग्जाम्पल ये रिंग हो गई, ठीक है, अगर ये रिंग थोड़ी अतरंगी होगी या उस लड़की ने ऐसी रिंग पहले नहीं देखी होगी तो आप जब उससे बात कर रहे होंगे ना तो वो लड़की इस रिंग के बहाने आपको कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करेगी। और भाई मैंने बहुत बार अपना गेम यहीं पे क्लोज किया है, मैं समझ गया भाई लड़की अपनी, इट कुड बी योर फैंसी शूज, टी-शर्ट, कुछ भी थोड़ा सा हटके। और भाई ये सब चीजें सिखाने का मेरा सिर्फ एक मीनिंग है भाई, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं वो किसी लड़की के प्यार में चूतियों की तरह डूब जाते हैं, जो हर लड़का अक्सर डूब जाता है। मेरे दोस्त अगर आपको ये सब चीजों की पहले से प्रैक्टिस होगी ना भाई, तो कल अगर आपके सामने एक लड़की जो आपकी औकात के बिल्कुल बाहर है वो भी आप पटा सकते हो बस अपने दम पे, क्योंकि तब तक आप मास्टर ऑफ सिडक्शन बन चुके होंगे। आपको समझ आ जाएगा कब क्या बोलना है, कैसे एक्ट करना है, इसमें कोई भी चीपनेस नहीं है मेरे दोस्त। तो लड़की से बात करते करते हमेशा रिस्पेक्टफुल रहो, उसको प्रेशराइज मत करो, हल्की सी भी हिंट आ जाए कि लड़की को बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो वहां से निकल जाओ। अनजान लड़कियों से अकेले जाके बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो एक कॉन्फिडेंट दोस्त के साथ दोस्ती करो, उसके साथ बोलो कि अब हम लोग ये भड़वागिरी करेंगे। नहीं ब्रो, इट इज एन आर्ट, वेरी लेस मैन नो। मतलब सबसे आसान मुझे लड़कियों से बात करना तब लगा है जब दो लड़कियां हो और मैं अपने एक दोस्त के साथ वहां जाके बात कर रहा हूँ, उसमें सच में बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं होती है। मतलब मैं लिटरली बोलता हूँ, ये पता है, ही फाइंड्स यू वेरी अट्रैक्टिव, यू नो ही फाइंड्स यू वेरी क्यूट, यू नो ही वॉन्टेड मी टू गो एंड टॉक टू यू, ऐसे करके ना ब्रो अपने आप ही ऐसी तापमानी गर्मी हो जाती है कि मैं और मेरा दोस्त, उसकी और उसकी दोस्त, ब्रो इट इज़ वेरी ईजी, नॉट अ फोर सम, वाई नॉट, नो 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 नो।
इफ यू नो हाउ टू मैनिपुलेट गर्ल्स ना ब्रो, बाकी की दुनिया एक्चुअली आपको चूतिया लगने लगती है. आपके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि आप किसी से कुछ भी करा दो, एंड विच इज वेरी पावरफुल, बट आपको इसे रिस्पॉन्सिबिली यूज करना आना चाहिए. और अगर आपको वो लाइनें चाहिए जो चूतिया लाइनें होती हैं कि भाई मैं जाके क्या बोलूं, भाई यार तुम लोग क्यों ब्रो अपने अंदर ये सेंस डेवलप करो. कोई भी सही लाइन नहीं होती है. तुम एक लड़की के पास गए, तुम उसे बोला हाय अ नाइस ड्रेस, तो वो लड़की तुम्हें बोल देगी शट अप यू क्रीप. दूसरी लड़की होगी तुम उसे बोलोगे आई रियली लाइक योर ड्रेस, ब्रो वही लड़की बोलेगी हाँ मेरा नंबर ले लो, हाँ हम लोग मिलते हैं. ब्रो तो ऐसी कोई भी फिक्स लाइन नहीं होती है, वो सेंसेस ही आपको डेवलप करने होते हैं. इनफैक्ट अगर मैं आपको कोई लाइन दे दूंगा, आप जाके लड़की के सामने रोबोट की तरह चिपका दोगे ना भाई, आप ही का कटेगा. खैर फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स मैं शायद लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि हाँ भाई ये चीजें हैं. बस लड़की से बात करते हुए अपनी एंग्जाइटी और नर्वसनेस को कंट्रोल करना सीख लो, लड़की के साथ अच्छा आई कॉन्टैक्ट बनाना सीखो. तो भाई आज के लिए बस इतना ही. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. और जिन लॉन्डो को बस एक होकअप चाहिए भाई, तो मैंने ये वीडियो डाला था पिछले संडे, ये वीडियो जरूर देख लेना. और चैनल पे अगर पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई, नोटिफिकेशन वाला घंटा भी दबा देना. तो मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में. आई लव यू ऑल, बाय. Every womanizer, every player, every guy juggling three broads at the same time is only doing so out of fear. Fear of being crushed by a woman. Because one day, back in the day, they weren't a player. They liked one girl. Just one. And they gave it up to her, didn't they? And they gave it up to her. That's right. They gave it up to her because they were little romantics back then. And they gave it up to the girl they love. And what happened? They got rocked, or they got crushed, or they got destroyed, they got cheated on, or laughed at, or something. And when they're finished picking up the little pieces of what was once their heart, you know what they said? They all, every single one of them, made a vow. Never to give it up again. That's right, never to give it up again. But now we're talking about the real bastards here, the guys that break hearts occupationally. Because believe it or not, originally those cats were the most beautiful and the most romantic of all. And you know what happened? They're the ones that got hurt worst of all.